खुलेगा इसका इंतजार है मुझे बस। आज हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ विच इज माई नंबर वन फेवरेट शहर इन ऑल ऑफ इंडिया। इस साल इट इज द फाइट द बैटल फॉर ग्लोरी रघुज एक्स रोडीज वर्सेस रणविजय ब्रांड न्यू स्पैंकिंग रोडीज जो हम ढूंढने आए हैं चंडीगढ़ में और हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बनना 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 यार पूरा पैशनेट हूँ पागल हूँ मुझे कोई शर्म नहीं है इस जिगर में करना है रोडी पर। इस साल देयर्स टू टीम्स रघु एंड रणविजय अगर आपको चॉइस मिलती देन यू कैन व्हाई बिकॉज़ आई लव हिम दोनों में से रणविजय को चूज करूंगा मैं स्पेशली रणविजय सर दी टीम में रघु बी अवेयर देसी नवाब इज कमिंग मैन। मुझे लगता है कि जो इसके पास एक्स रोडीज हैं, उनमें बहुत एक्सपीरियंस है वो पहले रोडीज बन चुके हैं वो टास्क कर सकते हैं वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं उसको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में उसकी टीम के खिलाफ लड़ने का दम नहीं है। रवि चंडीगढ़ के लोगों को देख के तो ऐसा लग रहा हो कि अब मेरी टीम में कुछ धुआंधार रोडीज आने वाले हैं। ये गेम मैंने बनाया है मैंने तुम्हें सिखाया है तुम मुझे इस गेम में हराओगे। अंग्रेजी में कहावत है डोंट टीच योर फादर हाउ टू। ये जोश बरकरार रखना इंटरव्यू तक तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आई सी सम ऑफ यू एट द पीआईएस इफ यू आर अनलकी। मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। आई विल प्ले द रोड एज रोड्स आर मेड टू प्ले। आई विल प्ले द रोड बिकॉज आई ब्लीड रोडी। जीडीएफ शुरू होने वाला है देखो अब क्या होगा। जो माइंड में आएगा वही बोला जाएगा। क्या है चंडीगढ़? चंडीगढ़ बहुत ही सही जगह है। कोशिश कर रहा हूँ कि लाइक चंडीगढ़ से कम दो तीन लोग सिलेक्ट हों। Don't disappoint, brothers. All the best. ये आपका पहला राउंड है जो है ग्रुप डिस्कशन राउंड। डीडी में मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई करा। अब लेट्स सी जो मैं लास्ट ईयर सिलेक्ट नहीं हो पाई वो इस साल क्या पता मैं हो जाऊं। फाइनली चंडीगढ़ खत्म। काफी अच्छे लड़के मिले काफी अच्छी लड़कियां मिली बट मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा है बट जितने हैं वो बहुत ऑसम है। लेट्स गो सी यू गाइस। अब सबसे मुश्किल काम बिकॉज हजारों लोगों में से गिने चुने एस्पायरिंग रोडीज को चुनना पड़ेगा कल के राउंड के लिए विच इज पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो चंडीगढ़ियंस फिंगर्स क्रॉस फॉर यू गाइस ऑल द बेस्ट। लग तो रहा है कि होना तो चाहिए नहीं होगा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। मेरे को एक टीआई का चांस दो अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं बता दूंगा कि मेरी नसों में रोडीज का खून है। चलो फिर साग मक्की की रोटी पाड़ते हैं आज का काम हो गया। रोडीज एक्स ऑडिशंस डे टू चंडीगढ़ वक्त आ गया है पर्सनल इंटरव्यूज के लिए हमारे दो जजेस रघु और रणविजय के साथ। दिस इज द बैटल फॉर ग्लोरी लेट्स सी व्हेदर दे हैव व्हाट इट टेक्स टू फाइट। रघु का फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो चुका है। इसका रीजन ये है कि हम पहुंच गए चंडीगढ़ जहां पे मेरे को मेरी टीम के लिए मिलेंगे कुछ गबरू पंजाबी मुंडे। मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन आया क्या आया कहां से आया। मुझे ये है कि मैं आया हूं और मुझे सिर्फ इस गेम को जीतना है।
सब बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। बस रघु को मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रघु, व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू? तू है क्या? तू लोगों के भी जाता है ना, आज मैं तेरे शो पे तेरी बजाने आया हूँ। रणवीर जी बहुत खुश है क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं ऑडिशन करने, और उसको काफी होप है कि यहाँ से बहुत कड़क लोग मिलने वाले हैं उसे। मैं भी यही होप करता हूँ उसके लिए, और उसके सिलेक्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला हूँ। नो, आपको मालूम है इंटरव्यूज में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है? देखो, इंटरव्यू में ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, वो लोग पूछेंगे मुझसे, मैं बताऊंगा, और शायद गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको कूल कर दूंगा। हाय हाय प्रदीप, बैठिए। कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं ऑसम। आप मूवी की स्टोरी लिख रहे हो? हाँ, अपनी मतलब जो मेरी जिंदगी के एकदम वो है। कुछ हमें बताओ, किससे वगैरह है, कैसी नरेशन, कॉमेडी है, एक्शन है, कैसा है? कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, और थोड़ा रोमांस भी है, और थोड़ा वो भी है, सैड पन, थोड़ा रोना धोना, ट्रेजेडी वो भी है। सुना आपने वो मूवी देखी लेडी वर्सेस रिकी पहल? उससे भी थोड़ा बहुत मैच करता हूँ मैं। उसका नाम क्या है वो बंदे का, और कौन सा कपूर है वो? रणवीर सिंह। तेरी स्टोरी उससे मिलती है? हाल की बोल के तो मिलती है। सुना यार। ये मैं ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि मेरी एक बंदी थी वो बहुत रिच थी, बट ठीक है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ भाई वो रिच है इतनी। और तो कहती है, आपको पता है मैं अभी कौन सी क्लास में हूँ? मैंने कहा जब तू बताएगी जब तो पता लगेगा। तो फिर कहती है मैं अभी 10th में हूँ। मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, 2 साल छोटी है। ये शॉर्ट फिल्म है ये कुछ? नहीं नहीं, मैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़की कैसी थी। वो फिल्म तो बहुत लंबी है यार। एक्चुअली मैं बोर हो गया हूँ, कुछ और बात। क्यों बोर क्यों हो गए? क्योंकि तू बोरिंग है। अच्छा यार, क्या बात कर रहा है, मैं बोरिंग हूँ? नहीं हो सकता, तुम्हारा फॉर्म इंटरेस्टिंग है, लेकिन हाँ उस बारे में बात करते हैं। आप रूडी क्यों बनना चाहते हैं? गैरों के किस्से पे तो बहुत हंस लिए, आप कुछ अपने बनाओ ना। कुछ अपने किस्से बना के दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। रघु एक बार मिल ले। आई लाइक इट। वॉट इज योर गोल एंड हाउ डू यू प्लान टू अचीव इट? क्वेश्चन काट दिया आपने। आपने कहा 10 लाख तक दे सकता हूँ रोडी बनने के लिए। 10 लाख मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है रघु, डोंट वरी, ये पैसे वाली बात तेरे और मेरे बीच रहेगी, ओके? 10 लाख बाद में करेंगे, 5 लाख की तेरी चड्डी यहाँ रख दे। चड्डी 5 लाख की नहीं है, मेरे लिए है 5 लाख की चड्डी यहाँ पर। नहीं है। 10 लाख देगा नहीं देगा? मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने ठीक है ये लिखा ताकि मेरा फॉर्म आप तक जाए, ठीक है, ताकि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग हो। मेरा फॉर्म तो मत फाड़ो यार, निकल ले। अब मेरी बात तो सुन ले, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? तेरी सुन ली नहीं सुननी प्रदीप, मैं बहुत चड्डी यहाँ पर रख वरना भाग जा। चड्डी नहीं उतारूंगा तो गेट आउट। अच्छा आप खुद सोचो ना कि निकल जा। कोई बंदा ठीक है चड्डी अपने मतलब निकाल देगा, या मैं वो तो हूँ कोई कोई बॉन्ड स्टार। तू जा रहा कि मैं बेच रहा? मेरी बात तो सुन ले, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात मैंने सुन, मेरी बात तो सुन ले, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ? मुझे पता है कि कहते हैं 10 लाख तेरे लिए कोई बड़ी बात है ना, तो यहाँ तक आने के लिए मैंने किया, यहाँ तक आने के लिए मैंने वो किया। अब आ गया है, कांग्रेचुलेशंस, तू यहाँ तक आ गया है। यस, अब यहाँ से कैसे जाएगा तू देख, ये रोड ही उतार देगा। बता दो आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस सबकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुन लो यार, कोई दिक्कत आ रही है भाई, मेरी बात तो सुन लो भाई। 10 लाख देगा मेरे को? अब मेरा हाथ उठेगा। ये देखिए आप, नमूना नंबर 1 सिग्नेचर के साथ मैंने लिखा 10 लाख रुपए का सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए, और देखो मैं पहुंचा भी यार। क्या लिखा हुआ है यार? स्टैंप पेपर भी भाई, यहाँ पर आके बोल रहा है यू डोंट मीन इट। आई डोंट लाइक इट, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। नेक्स्ट, गीतिका भतीराजा। अब आप मुझे बताइए रघु और रणविजय, पिछली बार कंपेयर टू लास्ट टाइम आपको क्या लगता है इस बार, व्हाट इंप्रूवमेंट्स हैव यू थॉट ऑफ, कि आप ये बोलेंगे ये करेंगे ये सब? इस बार ये है कि दे वुड एक्सपेक्ट मी टू बी अ लिटिल मोर मैच्योर एंड दैट्स इट, बस जो वो क्वेश्चन पूछेंगे वही आंसर करूंगी, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं प्लान करा। हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी गुड। हाउ इज गोइंग? वेरी वेरी गुड। इसीलिए बिफोर आई इंटिमिडेट यू। टू लेट, you've got too much going on in your jacket and your bangles and all, it's and your neck and your scary shoes. Wow, ek saal mein tum shopping karne gayi thi kya? Sab shopping karke pehen ke aa gaya. Aapko follow karte the, ye bachchi phir aa gayi, ye wo ye thara sir, wohi bachchi, choti bachchi, 17 years old. Ab to main badi ho gayi na, ab ladkiyon ki age poochte nahi. But I believe one thing, ji, age is just a number, so you might be a year older Geetika Budhiraja, but you're still a kid. डोंट पे एनी अटेंशन टू हिम, उसकी टीम में तो एक्स रोडीज आ रहे हैं, आप आएंगी तो मेरी टीम में आएंगी।
टेल मी कीजिएगा, पिछले एक साल में आपने क्या क्या किया जो हमें नहीं पता? पिछले एक साल में मैंने ज़्यादा फोकस अपने लॉ करियर पे किया एंड क्रिमिनल लॉ फर्म में 1.5 मंथ इंटर्नशिप किया, विच इंटर्न आई फाउंड वॉज अ फेलियर इन माई केस. जब से रोडीज़ का वो फेज आया, ऑब्वियसली इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मी एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. मुझे एक्चुअली में नाइटमेयर्स आते थे कि यू हैव लेफ्ट दैट हैप्पी गो लकी गीतिका बिहाइंड एंड द अदर वन हु इज सो सोफिस्टिकेटेड एंड शी इज रनिंग. वो आगे भाग रही है और वो पीछे भाग रही है, वो रोक रही है कि कम. आई एक्चुअली टू सी दिस ड्रीम्स. पिछले साल आप आई थी, आपके लिए आप दुनिया खुली थी, आप जो चाहें आप कर सकती थी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, आपके अंदर ड्रीम्स थे और उसको आगे बढ़ाने का जोश था. वन थिंग आई लाइक अबाउट यू एंड आई एम श्योर ही डिड टू, द स्पार्क इज गॉन. From an idealist, you have become a defeatist. But good news, the immaturity remains. Abhi bhi right now also I am capable enough and I am confident enough that if I compete against a guy, I'll prove myself to be better than him. ये देखिए सर, this is why she is an ideal candidate for your team. एक एक करके आपके जवाब पढ़ लेता हूँ quickly. पहला, आपके बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? All capitals, my confidence, determination. Never say die attitude. What is your goal and how to achieve it? Success, full caps, is the only goal, full caps. Working in the direction of improving myself with every breath I take. So far, so good? Agla sawal. Aapka sabse bada dar kya hai? Losing my self-respect or kuch severe circumstances mein giving up like a coward. ये लूजिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपका सबसे बड़ा डर है, तो कोई भी ऐसा सिचुएशन जहां आपको लगता है कि शायद मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाए, आप वहां पीछे हट जाएंगे. सर, सेल्फ रिस्पेक्ट कब खोती है? जब आप कुछ ऐसा करो जो आपके खुद के अगेंस्ट हो, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं. दैट इज व्हाट यू विल हैव टू डू इन टू सर्वाइव ऑन रोडीज. गिविंग अप इज अगेंस्ट मी. गिविंग अप इज अगेंस्ट द वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गीतिका बुद्धिराजन. दिस इज व्हाट आई वुड नॉट डू एंड दिस वुड मेक मी लूज माय सेल्फ रिस्पेक्ट. हैव यू एवर बीन किस्ड, गीतिका? सुपरमैन. गीतिका, I have good news for you. You are about to experience your first kiss. I am about to experience my first kiss. Yes. Nahi, rodis mein task hai. How could kissing someone be a task like that? How could being naked in front of 150 people while somebody... Which was a task? Which was a task? Main nahi karungi. Thank you, Sohil. Agar aap move ki hoti kiss karne ke liye, it would not have happened. Sohil knows that, I know that, he knows that. It's not about the kiss, Geetika. It's about what your reaction to the situation is. We've seen your reaction. Ranvijay task nahi karega. Uski team ko task karke jeetna padega. Iske paas do option hai. Pehla option hai ki aise kameenon ki fauj khadi kar do jo hum pe bhari pad jaye. Dusra option ye hai ki aise log aa jaye jo usool aur adarsh ke sooli pe isko taang de. Now, ye jo success oriented confidence, never say die, do what it takes, I have to win come what may, girl. You suddenly come to, अगर किसी पॉलिटिक्स में अगर मुझे कुछ करना पड़े, अगर मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के अगेंस्ट है, मैं वो नहीं करूंगी. और टास्क में कुछ करना पड़े, अगर मेरे को डर लग गया, तो मैं एक बुजदिल की तरह, यू क्वांटिफाइड इट, मैं एक बुजदिल की तरह पीछे हट जाऊंगी. सर, आप एक छोटे से इशू को दैट यू सेइंग कि वो परफॉर्म करना था किस, दैट इज समथिंग कमिंग बैक टू, यस इट्स पर्सनल एंड इट्स समथिंग दैट यू आर ऑडिशनिंग. इसमें कुछ गलती नहीं है गीतिका, तुमने बहुत सही किया. इट इज नॉट अबाउट, आपने जो किया वो, वी आर नॉट जजिंग ऑन अ मॉरल स्केल. This is not about right or wrong, Geetika. मैं बिल्कुल, आप moral scale सब चीज़ें निकाल दीजिए, ठीक है? मैं एक बहुत normal level पे बात कर रही हूँ. अगर आप performance की बात करते हैं किसी भी चीज़ में, एक किस का task अलग, how are you bringing that kiss thing in it? I'm done. आप सारी चीज़ों के comparison में, how can you just compare that? आने के लिए शुक्रिया, Geetika. Geetika, it's not about the kiss, it's about एक situation जो आपको दी होती है, उसमें आप पीछे हट जाती हैं, जहाँ पे आप comfortable नहीं हैं. और यहाँ roadies में almost 99% situation except for eating food situation you'll be uncomfortable. इस वक्त क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, इस वक्त ये सोच रही हूँ आप मुझे टेस्ट कर रहे हो, मुझे पता है. और मेरे अकॉर्डिंग मैं सक्सीड हुई हूँ. अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ और इसमें आई वॉन्ट टू गेट थ्रू इट. दैट्स वाई आई एम हियर, दैट्स वाई आई पुट इन सो मच एफर्ट फॉर इट. गीतिका, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू. थैंक्स फॉर कमिंग अगेन. आई न्यू कि मुझ पे प्रेशर डबल होने वाला है और मुझे ज़्यादा ही ग्रिलिंग मिलेगी, और वही हुआ, वैसा ही था. मुझे तो ऐसा लगा कि गीतिका एक तो चुप नहीं बैठती. इसको हम लोगों ने दो तीन बार दबाया तो ऑब्वियसली थोड़ी यंग है, बाउंसेस राइट बैक ना, सेम बात है. थोड़ी देर बाद भूल जाती है, शी इज बैक इन चपड़ चपड़ चपड़, व्हिच आई थिंक इज इन अ नॉन साइको मैनर. हां, इट्स नाइस. ये जो मॉरल्स है ना इसके,
ये मेरे को बेनिफिट कर सकते हैं बिकॉज कभी ना कभी तुम ट्विस्ट फेंकोगे कुछ ना कुछ कि तुम मेरी टीम में आ जाओ मैं तुम्हें जिता दूंगा वगैरह. आई डोंट नो यू. आई डोंट थिंक शी इज वन टू बैकस्टैब और बिट्रे. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू माइट बी अंडरएस्टिमेटिंग हर. अप टू यू. लेट्स सी. अगला कंटेस्टेंट आ जाइए. हेलो, आपका नाम क्या है? आकाश गुप्ता. आकाश गुप्ता, क्या हुई थी? ऐसी ही हो रही है? ऐसी बस. Are you okay? क्या हो गया यार? अरे मैं चंडीगढ़ से सिलेक्ट हो गया, मैं विश्वास ही नहीं हो रहा सच में. हाई फाई यार, बहुत अच्छी बात है यार. चलो अंदर जाइए, बेस्ट ऑफ लक, फिंगर्स क्रॉस, यकीन कीजिए अपने आप में, जाइए अंदर. हाय आकाश, बैठो. कैसे मिजाज है? बढ़िया. इधर उधर क्या देख रहे हो? देख ही नहीं है सर. क्या क्या देख रहे भाई? अब क्या हो गया? क्या हो गया बेटे? क्या हो गया आकाश? अरे भाई तू प्यार से मिलने आया, क्या हो गया? चिल मार, आजा बैठ जा. थोड़ा इमोशन में आ रखा है तू, क्या हो गया? अबे मेरे पास रहा तू है? क्या हो गया तेरे को? कौन आई थी कल? तो एकदम से पता ही नहीं लगा. बैठ जाना भाई, बैठ जा, बैठ जा. चलो पानी पिएगा तू? मेरे पे हंस तो नहीं रहा ना? सही है. इंटरव्यू के लिए आया ना तू? आकाश क्या अच्छा क्या चल रहा है तेरे दिमाग में भाई? मैं कल उधर मतलब ऑडिशन देने मतलब पुणे उधर पुणे उन्हें खे गया था. पुणे मतलब पुणे में सिलेक्ट नहीं हुआ, चंडीगढ़ आ गया. तो पापा बोल रहे कि दुकान उकान दुकान मतलब दुकान है ना झांसी में, तो वो देख रहे थे. भैया मेरे कॉल आ गई तो देखो सर, आपको आप विश्वास नहीं हो रहा. बताओ तू सो रहा है और ये तेरा सपना चल रहा है, तो अभी थोड़ी देर में उठेगा और तू घर पे ही होगा अपने. ऐसे मत बोलो. रोडी क्यों बनना चाहता है? रोडी क्यों बनना चाहता? सेवेंथ क्लास में देखा सर मैंने मतलब. और सर रोड इसकी वजह से टेंथ में फेल दो बार. फिर सुनो तो सर ऐसे दूसरी बार में पापा ने पास करवाया. इलेवेंथ में आया स्कूल वालों के हाथ में तो पास कर दिया. ऐसा क्यों इतना क्या मतलब रोडीज को लेके पागलपन? आप पूछ रहे हैं ये बात? हाँ मैं सचमुच जानना चाहता हूँ, मेरे को नहीं. नहीं नहीं सर सही में मतलब अब आप समझ लो मेरे माँ बाप हैं. अब आप समझ लो मैं क्यों क्रेजी हूँ. अब बता दो अब माँ बाप के पीछे कोई आदमी इतना क्रेजी है? रोडीज क्या बोल रहा है यार तू? आकाश कौन से स्कूल में पढ़ा? झांसी में? झांसी में आर्मी स्कूल में पढ़ा था. तेरे को किस क्लास में लड़कों ने मारना छोड़ा? सर मैं अभी तक पिटता. सर मैं अभी तक पिटता सच में. कोई भी आया ओए ओए ये क्या बात सर? एक बात मतलब लड़कों में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. क्यों सर? जैसे मैं पुणे गया तो पुणे में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं सर, एक भी नहीं रुकाता मेरे को अपने यहाँ. क्यों नहीं रुकाता सर? कैसा लगता पूरा? अगर वो आते झांसी तू रुकाता उनको घर पे? सब लोग बंदे आने थे चंडीगढ़ से पुणे के लिए. मैंने बोला था मेरे घर पे रुक जाइए, नया घर बना. सर कोई दोस्त नहीं है मेरा, रात में अकेले बैठता बाजार बाजार. कोई दोस्त सच में सच बोल. उसका रीजन क्या होगा आकाश? सबके दोस्त होते. सर मेरा मानना ये है कि हमेशा सबका भला करो, ऊपर वाला देखता है हमेशा. आकाश तेरे से कोई काफी क्वेश्चन पूछ ले मगर आंसर एक भी नहीं दिया तूने, पता? तेरे से पूछा रोडीज का क्रेज क्यों है, तूने कुछ नहीं बोला. तेरे दोस्त क्यों नहीं है, उसका भी कोई रीजन नहीं है. जब से तू आया है तू एक इमोशनल बंदा या तो है या तो दिखा रहा है. उसके अलावा अपने बारे में तूने हर चीज हर सवाल को डॉज किया, एक का भी सीधा जवाब नहीं दिया. एक ही सवाल एक ही बार पूछूंगा, ऐसा तूने क्यों किया? नहीं सर मैंने अपने बारे में सर मैं सही बताऊं भगवान कसम सर मैं दिल से मैंने एक एक बात सही बताई. मैं एक जैसे सर जैसे बड़े मतलब लोगों सर एक बार झांसी में देखा. कहाँ से कहाँ जा रही बात? थैंक यू आकाश, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे मिलकर अच्छा लगा सर. थैंक्स यार, जान रही तो दोबारा मिलेंगे. जान रही सर पता बहुत प्यार करते हैं आप लोग को. हम भी बहुत प्यार करते हैं आकाश. बाय, सी यू. थैंक्स फॉर कमिंग. फिर मैं जा रहा सही में. हाँ हो गया यार,
ऐसे होता है इंटरव्यू का बंदी बना कर अभी हम लोग तेरे पे चिल्लाएंगे तभी तुझे लगेगा सी बाय सर को लगता है कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा लेकिन मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा जो हूं सच हूं बंदा काफी स्वीट सा लगा बट आई डोंट थिंक ही वो डिड मेक एनी सेंस बहुत टूट जाऊंगा दिल से बोलूं बहुत टूट जाऊंगा अगर सर नहीं लेंगे आई जस्ट थिंक कि उसको कुछ पूछो तो वो कुछ एक लाइन भी उसने सही फॉर्म नहीं किया यार कुछ अजीब झांसी पहुंच जा रहा था फॉर्म में उसके बारे में कुछ नहीं उसके फेस पे उसके बारे में कुछ नहीं ठीक है आई मीन कूल नेक्स्ट बस रघु को मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ रघु व्हाट डू यू थिंक अबाउट यू तू है क्या तू लोगों के भी जाता है ना आज मैं तेरे शो पे तेरी बजाने आया हूँ बस जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए फैसला ऑन दी स्पॉट है बबरेल में या जेल में देखने क्या होता है बाकी बट मैं ये कहना चाहता हूँ आज रघु यू एंड मी फेस टू फेस देखते हैं व्हाट हैपेंड क्या लगा कुबेर फाइन सर कुबेर दत्ता या सर तूने देखा एंटरटेनमेंट राउंड होता है या सर ऑडिशन में एंटरटेन करते हैं हमें डांस तू कुर्सी खींच के बैठ जा आपके बारे में बेस्ट चीज क्या है वन मैन आर्मी मैं तो ये वन मैन आर्मी देखना चाहता हूँ आपका लाइफ में गोल क्या है एंड हाउ डू यू प्लान टू अचीव इट तूने क्या लिखा आई वांट टू फेस यू आई वांट टू रघु ओ हाईलाइट क्या है जस्ट वेट आई एम कमिंग रणविजय और रघु के बीच में आप किसको चुनोगे रणविजय को चुनूंगा बिकॉज आई हेट रघु मेरा सवाल ये है कि ये आपने कुछ अटेंशन पाने के लिए लिखा है यू मीन एवरीथिंग यू रिटन अटेंशन पाने के लिए सर क्योंकि जिसको तो ना है ना सर उसके सामने नाच रहा था वो सिक्के फेंक रहा था तेरे ऊपर शामिया की तरह समझ गया या सर सबसे पहली बात तू अटेंशन पाने के लिए आया था नो सर एक्चुअली आई दैट इज नॉट मीन ये क्या है वो बात गई बेटा अभी जस्ट गॉट रियल ये लेके आया था तू या सर तूने ऊपर से फेंका है जब तेरी चेकिंग हो रही थी या सर तेरे को लगा हमें नहीं मिलेगा ये क्यों लिखा है ऑलवेज इन माय पॉकेट गुंडा है तू यहाँ का गुंडा है तेरा टफ गाय गुंडा है कि नहीं है गुंडों का बाप हो सर अच्छा क्या पहुंचे तेरे बताइए जरा तेरे से बात करूं या तू जिस चाटता उसको बुला कुबेर तेरे से क्या बात करूं 10 साल हो गए मेरे को यार क्या कर रहा था 10 साल पहले तू ये 10 साल का था 10 साल पहले सेलेक्ट होने आया तू या सर हाँ आई वांट टू सेलेक्ट इन रूडी तेरा इंटरव्यू शुरू भी नहीं होगा तू हो जा बाहर क्योंकि ये जो बोला ना हे डोंकीज योर डैड इज कमिंग सुबह उठ के लाइन पे लगा मैं 3 घंटा Your dad. उसके बाद यहां कब कब आता बैठा हुआ योर डैड डैड आउट तेरे बेटे को ना उठने की भी जरूरत नहीं है यहां से तू गया बॉयज रुक जा भाई रुक कैमरा कर दे कट मैं आई एम सीरियस बीच में मत आना ना ना बीच में मत आना कोई नहीं ये मेरा का तू मेरे को मारना है नकल डस्टर लेके तू गुंडों का बाप है ना मेरे ओए उसको हाथ नहीं लगाना कुछ भी करना गुंडों का बाप है तू हाँ गेट आउट भाई कुबेर दत्ता इज सिलेक्टेड मेरी टीम में कुबेर टीम में है कुबेर ये ना खुजाने के काम आएगी तेरे मत कर यार मत कर पंगे मैं मेरी उम्र नहीं है यार तुझ जैसे की पिटाई करता फिरूं मैं बट मैं फिर भी मारूंगा ऑलराइट अगले कंटेस्टेंट आ जाइए हमारे साथ ये है गार्गे हेलो तो वक्त आ गया है पर्सनल इंटरव्यू के लिए ये हाउ यू फीलिंग वेरी नर्वस एंड आई जस्ट होप थिंग्स गो वेल ऑन माय पार्ट एंड दे गो इन माय फेवर दैट्स इट ऑलराइट ऑल द बेस्ट हेलो सर हाय गार्गे कैन आई सिट श्योर श्योर वी वुड लव दैट प्लीज सिट
क्या करती है गार्गी, अपने बारे में बताइए। नेचर के बारे में बताऊंगी, बहुत ही फन लविंग टाइप ऑफ पर्सन हूँ, लेकिन अनलेस एंड अंटिल कोई मुझे कुछ कहे ना तब तक मैं नहीं रिएक्ट करती। गुस्सा बहुत रेयरली आता है, लेकिन जब भी आता है तब ये रियलाइज नहीं होता है कि क्या बोल रही हूँ क्या कर रही हूँ। जब आपको गुस्सा आ रहा होगा, आज आ रहा होगा अभी, तो आप हमें बता देना, नार को पीटने से पहले एक बार वॉर्न कर देना बस। नहीं नहीं सर, बहुत रेयरली आता है, मैंने आपको बताया तो नहीं। ये अपने आप को भी हर्ट करती हैं, लिखा हुआ मैं बहुत डिप्रेसिव हूँ और मैं अपने आप को कट स्लैश बर्न करती हूँ। कोई निशान है? बहुत सारे हैं सर। ऐसा करती क्यों आप? देयर वाज अ फेज इन माय लाइफ जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, आई वाज ऑन रोड, मेरे पास एक गाड़ी थी जिसमें मैं सोती थी, सुबह कॉलेज अटेंड करती थी, शाम को आई वाज खाने के लिए मेरे को सोचना पड़ता था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बस एक कार ही थी सर। क्यों सर? एक्चुअली मैंने अपने फॉर्म में भी मेंशन किया कि मेरी शादी हो रखी है। योर ग्रेटेस्ट रिग्रेट में सर, व्हेन आई वाज 22 इयर्स बैक 2010 20th नवंबर आई गॉट मैरिड टू दिस गाय। 20 साल की उम्र में? हाँ जी। ये था कि मेरे पेरेंट्स के अंदर मुझे समझने की कैपेबिलिटी नहीं थी। जब मैं कॉलेज में गई थी तो मेरे डैड वाज प्रीटी अपसेट विद माय एटीट्यूड, ही इज एन IFS ऑफिसर सो ही वांट्स मी टू गो इनटू दैट फील्ड, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग मेरे को 14-15 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए रही है वो, तो ही वाज प्रीटी अपसेट विद माय एटीट्यूड कि ये करिकुलर में जा रही है, एंकरिंग कर रही है और ये सब कर रही है। अब 20 साल की थी, आपके पेरेंट्स ने बोला अब शादी कर लो और इस लड़के से करो? कर लो, मैंने कर लिया। उसकी उम्र क्या थी? 30। ज़्यादा एज गैप है सर। कानपुर से बिलोंग करती हूँ बेसिकली। कानपुर में लड़के की मेंटालिटी, लड़के की सोच से ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके बैंक बैलेंस कैसा है। बस एक मैं बताऊँगा, मैं इसमें अपने आप को एक विक्टिम ही समझूंगी कि हो गया, एंड आई ट्राई टेलिंग माय फैमिली। आपके साथ जबरदस्ती की गई थी? जबरदस्ती नहीं करी गई थी सर। तो विक्टिम क्यों मानती आप? सर विक्टिम इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक्चुअली सीन ये था सर कि जब मेरी इंगेजमेंट हो गई उसके बाद मैंने उस बंदे के बारे में पता लगाना शुरू किया, क्योंकि मेरे को लगा मेरे डैड इज़ नॉट टेकिंग दैट एफर्ट, तो मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया सो दैट आई कैन यू नो गेट टू नो मोर अबाउट हिम। उसके बाद मैंने सारा कुछ पता किया, दिस गाय ऑलरेडी वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड वुमन। आई फील एक्सपोज ऑन नेशनल टेलीविजन राइट नाउ, बट आई वुड रियली लाइक टू से इट। मैं घर की आपका चॉइस है, यू कैन एंड इट। नहीं सर, आई रियली वांट टू से दिस बिकॉज़ यू नो दिस इज समथिंग आई रोडीज एक प्लेटफॉर्म है मेरे लिए कहने के लिए कि बिकॉज अगर ऐसा कुछ था उसकी लाइफ में तो उसको मेरे से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। 10 महीने बाद मैंने उस बंदे को झेला, सब कुछ किया, उसके नाटक झेले, यूज टू गेट प्रोस्टिट्यूट्स इन माई हाउस एंड टेल मी कि उसका फ्रेंड लेके आया है। मैंने पूरा अपना सामान पैक किया, मैंने उसका घर छोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को, जब मैंने उन्हें बताने की कोशिश करी कि वो मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को लिटरली डिसओन कर दिया। आप अभी जॉब कर रहे हैं? जॉब नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक कॉल सेंटर है, सो ही इज गिवन मी अपने नंबर्स, तो मैं अपने घर से कॉल करके आया हूँ। कौन से घर में रह रही हैं? एक रेंट पे लिया हुआ है मैंने घर, अटेंड करती हूँ कॉलेज सुबह, शाम को आई मेक कॉल्स एंड आई अर्न अराउंड 22-23,000 जिससे मैं अपना एक्सपेंसेस निकालती हूँ। थोड़ा लाइफ खुश होती हुई दिख रही है आप? बहुत खुश होती हुई दिख रही है सर, बहुत। यू हैव गुड फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज? आई हैव गुड फ्रेंड्स। लाइफ अच्छी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। व्हाट्स द प्लान ग्रेजुएशन के बाद? IAS ही करूंगी सर, करूंगी तो वही सर। फिर भी अभी इतना कुछ स्टैंड लेकर योर इंडिपेंडेंट, उसके बावजूद भी आप ऐसी चीज करना चाहते जिसको आप अपने डैड को दिखा पाए? सर क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैं बस एक चीज समझ में आ गया, आई नीड पावर। अच्छा, तो इसलिए आप IAS जा रहे हैं? अब मेरे को पावर चाहिए, मैंने पैसा कमा के देख लिया। आई थिंक जो तुम अभी कर रही हो, अपने घर पे रेंट पे रह रही हो, इट्स कमेंडेबल। कॉलेज जा रही हो, बीटेक करो, पर तुम अपने आप को इतना हार्म क्यों पहुंचा रही हो? वो तो तुम्हारे को पहुंचा रहा है, ऊपर से तुम भी अपने आप को लगी हुई हो। मैं फ्रेंकली बताऊं, मैंने जब भी ये किया है तब मैंने उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहुत खराब लगता था, नेक्स्ट डे फिर कर लेती थी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सिलेक्शन का पता नहीं। आई होप यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। नाइस टू मीट यू, रियली बेस्ट ऑफ लक। प्लीज आई कैन, प्लीज शेक हैंड्स विद यू। 100% इट बी माय प्लेजर लेडी, एंड अपने आप को हर्ट मत करना। नेवर सर, वो उनके लिए विक्ट्री है। थैंक यू सर, बाय, नमस्ते। आई थिंक दैट्स सुपर कूल यार, इतने अच्छे से बात करते हैं। इफ यू आर गुड टू देम वो आपसे ऑब्वियसली अच्छे से बात करेंगे। उन्होंने आई थिंक जो मेरे आइडियाज थे उन्होंने उसके साथ इत्तेफाक रख के मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया है। मेरे को तो गार्गी से उनके बहुत अच्छा लगा यार। एक तो ये क्या हो रहा है, मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहूंगा मैं। इस वन गर्ल जिसने अपने सर्कमस्टेंसेस को जीतने नहीं दिया, शी इज चेंज्ड, शी इज फाइटिंग सर्कमस्टेंसेस, शी विल बिकम अ मास्टर। एंड नाउ शी इज हैप्पी, जब से वो फरवरी से अपना खुद का रेंटेड अपार्टमेंट रह रही है, शी इज हैप्पी, शी इज गोइंग टू कॉलेज, शी हैज अ प्लान और मस्ती भी कर रही है। ऑलराइट, तो हमारे साथ खड़े हैं ठाकुर दुष्यंत सिंह रघुवंशी। मैं एक प्लेयर हूं जो सिर्फ जीतना जानता हूँ, और मैं एक शिकारी हूँ जो सिर्फ शिकार करना जानता हूँ, और मैं यहाँ आया हूँ तो सिर्फ जीतने आया हूँ और जीत के जाऊंगा। हाय सर, हेलो, बैठिए। दुष्यंत यार, क्या हाल है? बढ़िया भाई। सहारनपुर से हो? हाँ जी भाई। बड़ी लड़ाई करके आए यहाँ तक?
हाँ बहुत लड़ाई हो गई यार। क्यों यार? यार क्या हुआ, जो मेरे साथ दोस्त थे ना बहुत वैसे से ही थे, मतलब समझ लो लड़ाई उठाई गिरे समझ। तो यहाँ पहुँचे अम्बाला, एक लड़का था हमारा दोस्त, स्मोक कर रहा था उसने, टैक्सी स्टैंड पी भी रखी थी उसने, ऐसे करके टैक्सी स्टैंड वाले गए वहाँ भाई चलेगा क्या, ऐसे कर दिया। वहाँ टैक्सी स्टैंड वाले इकट्ठे हो गए कि भाई इसे मारेंगे, ढूंढो इसे। वहाँ मैंने गले मिले लग के उन्हें कहा यार छोड़ो लड़का है छोड़ो माफ़ करो। फिर आगे आए हम, उसके बाद यहाँ पे पहुँचे जीडी राउंड में चंडीगढ़ बाहर, लाइन लगी हुई थी रात को। वहाँ पे जाके हमारे में दो तीन लड़के थे, वो भी बदतमीजी करने लग गए, हाँ भाई इधर आ, बाल कहाँ से कटवाए, हाँ भाई इधर आ, ये टैटू कहाँ से बनवाया। वहाँ भी झगड़ा मोल ले लिया। रोडीज के ऑडिशन में कैसे लड़के आ रहे हैं यार, मवाली किस्म के, क्या समझा इस लोगों को? मवाली नहीं हूँ, तेरे बारे में बात कर रहा हूँ। कह रहे हो ना रोडीज के ऑडिशन, तेरे बारे में बोला मैंने कुछ? नहीं मेरे बारे में नहीं बोला। तो बीच में क्यों बोला? चलो ठीक है, उससे बात कर रहा हूँ मैं, करूँ आपकी इजाज़त? करो हैं, करो जी, दोबारा मत बोल दी बीच में। ओके इडियट हैं बे, रास्ते में लड़ाई झगड़े करके आने, दारू पी के सिगरेट पी के टैक्सी वालों के मुंह पे छोड़ने हैं, हैं? अबे ऑडिशन की लाइन में भी लड़ाई की है। ये क्या है यार ये? सर एक बात बताऊं, तू फिर बोला? एक एक सेकंड, नहीं मैंने ना जिंदगी में कभी यार कभी ड्रैग तक नहीं किया सिगरेट को, कभी शराब नहीं पिया मेरे पे, कभी चुटकी नॉन वेज तक नहीं खाया। तूने जो कहानी बताई मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना, तूने बताया ना? हाँ ठीक है, तू बात करे। अगर आप अपने बारे में कुछ चेंज कर सकते हो तो क्या है? मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मेरा एटीट्यूड इस चीज़ पे बेस्ड है कि आप मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। अगर तुम मुझे उंगली करोगे तो मैं पूरा हाथ चला दूंगा। वाह भाई, कह रहा मैं मवाली में तो सूफी आदमी, और मैं इस चीज़ से बहुत डरता हूँ कि मैं बस अपने गुस्से पर काबू रखूँ। बस मैं ये है कि अगर कोई लड़का जैसे आया जान पहचान का हाथ मिलाने गया, मैं कहूँगा भाई हटा, मैं नहीं मिलाता। ये इस तरह का मेरा एटीट्यूड है, मैं ऐसा हूँ ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलना चाहता अपने आप को। क्या आप कभी चीट करेंगे? ये अगर आपको पता हो कि आप पकड़े नहीं जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लड़कियों को चीट करता हूँ और कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे मैं किसी को किसी के साथ हूँ जैसा भी है, और कोई दूसरे को भी मैं चला रहा हूँ या कुछ इस तरह से कह सकते हैं, बट मैं कभी नहीं ऐसे पकड़ा नहीं जाऊँगा। अभी तू फौज में जाना चाहता है? हाँ जी। ऑफिसर बनना चाहता है? हाँ ऑफिसर बनना। तो क्या मैंने अभी CDS का एग्जाम दिया, रिजल्ट की वेट कर रहा हूँ। ये जो तेरी पर्सनैलिटी यहाँ पर दिख रही है ना, अगर किसी को इस रूम में पता है कि आर्मी में कैसे लोग जाते हैं, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा आर्मी में। तो ये जो पर्सनैलिटी लेके तू जा रहे ना, मैंने SSB क्लियर कर रखा है बाय द वे। मैं ये नॉट विद दिस पर्सनैलिटी ब्रो, मैं ये नहीं कह रहा मैं हो जाऊंगा, मैं होऊंगा। जो मैंने ये कह दिया ना मैं करूंगा तो मैं वो करूंगा बस, और मैंने जहां टांग अड़ा दी बस वहां अड़ा दी। फौज है ये, कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ GD देने आया ना बहुत सारे लोग यार, ये GD अलग है, इधर शायद रोडीज की पता भी है क्या हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो तेरा जिंदगी में लक्ष्य है ना आर्मी ऑफिसर बनने का, तेरे इस पर्सनालिटी से अगर तू जाएगा, ये जो तूने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कितना कॉन्फिडेंट आर्मी में सेलेक्ट हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा। और कितना कॉन्फिडेंट है रोडीज में सेलेक्ट हो जाएगा? मैं जीतूंगा, सिलेक्ट होऊंगा फिर जीत जाऊंगा। अच्छा दुष्यंत, आपका एटीट्यूड जो है और आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका, आप निकल जाइए। नहीं मेरा इंटरव्यू अभी खत्म नहीं हुआ, मेरे को बहुत कुछ बोलना है अभी, मेरी बात। मेरा कुछ नहीं खत्म हुआ, एक सेकंड सिर्फ मेरे। अबे चबे, तेरे को सहारनपुर का लुच्चा लग रहा हूं मैं, चल निकल, बोल दे तेरा खत्म हो गया, चल मेरे को कुछ बोल रहे हो बोल रहे हो दादी जी का पुत्र बैठे होगा मेरे को दादा दे दे एक बार दे दो मेरे भाई एक बार दे दो। क्या हो रहा हूँ है? लुच्चा सहारनपुर का सुपर उठ के आ गया यहाँ पर, अपने आप को रोडीज का बाप समझ रहा है। आर्मी के बारे में क्या एटीट्यूड है तेरे? बट आई एम रियली नॉट गोना वेस्ट माय टाइम ऑन दिस, इज नॉट वर्थ माय इवन गेटिंग अप। एक बहुत ही लंबे दिन के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद मुझे एक बात बता, जब ऐसे लोग आते हैं 10 लाख ले ले रघु यार, और ये नकल डस्टर बॉय, इफ आई काइंड ऑफ थ्रो देम आउट, am I interfering in your team selection? No, you're not. You're helping me. वक्त आ गया है जजेस को डिसाइड करने का कि चंडीगढ़ से इस बार रणविजय किसको सिलेक्ट करेंगे अपनी टीम के लिए। मुझे ये लड़की बहुत इंप्रेसिव लगी। I think she'll be interesting. Are you done? Okay. Yeah, I'm done. Yeah. और चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुई हैं गीतिका बुद्धि राजा। Hi, I'm Geetika. Geetika Buddhi Raja and I am a roadie. लुक्स के साथ में दिमाग का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, और जब होता है तो डेंजरस होता है। Just be careful.